हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शफीम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 70K रुपीज़ के बजट बिल्ड पीसी के ऊपर। तो यार, गेमिंग करना किसे पसंद नहीं। इससे आप सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। बहुत से लोग गेमिंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत से लोग लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ आ रहे हैं। तो यार, सबको पता है कि पहले गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं हुआ करता था। हमें गेमिंग करने से मना कर देते थे पेरेंट्स हमारे, या कोई भी हमारे जो बड़े होते थे। जो है, गेमिंग का फ्यूचर भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री में गेमिंग के बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते हैं, जिसमें आप जीतने वाले को इनाम मिलता है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान में भी ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होंगे गेमिंग के, और पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री एक अच्छे लेवल पे होएगी। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग 70K रुपीज़ के बजट पीसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग बना रहा हूँ जो अराउंड 1080p पर 60fps तक गेमिंग करना चाहते हैं, जो 60fps से नीचे नहीं आना चाहते, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में जो पीसी पार्ट्स यूज़ करेंगे वो आप लोगों के फ्यूचर प्रूफ भी होंगे, जिसमें आप फ्यूचर में भी गेमिंग कर सकते हैं। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो यार, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने पीसी बिल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी प्रोसेसर। जो प्रोसेसर हम पीसी बिल्ड में यूज़ करेंगे वो है इंटेल का कोर i3 7th जनरेशन 7100KB लाइक प्रोसेसर, जो आपको 3.9 GHz तक टर्बो स्पीड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देता है। मतलब इस प्रोसेसर को चूज़ करने की यही वजह है कि ये आपको गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इंटेल का 7th जनरेशन, कोर i3 का 7th जनरेशन अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। इसमें आपको कोई गेमिंग में कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, और ये आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और ये आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 14,000 रुपीज़ तक, मतलब अराउंड बजट के अंदर आपको पड़ ही जाएगा, अराउंड 14,000 रुपीज़ तक आपको मिल ही जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। जो मदरबोर्ड हम इस बिल्ड में यूज़ करेंगे वो है GIGABYTES का GIGABYTES 250M LGA सॉकेट के साथ आता है, जो आपको 7th जनरेशन के सपोर्ट के साथ मिलेगा, जिसमें आपको फोर रैम स्लॉट मिलेंगे DDR4 सपोर्टेड, और आप जिसमें 4-4 वाले 4 मॉड्यूल लगा सकते हैं, या 8-8 वाले 4 मॉड्यूल भी लगा सकते, जो आपको अनटिल 32GB रैम तक सपोर्ट कर सकता है। और इसकी जो पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है वो है 9,000 रुपीज़। तो जाहिर सी बात, अपने मदरबोर्ड जो है DDR4 रैम सपोर्टेड लिया है, तो अब हमें रैम भी DDR4 सपोर्ट लेनी होगी। तो इसके लिए जो मैंने पीसी बिल्ड में जो रैम यूज़ की है वो है कॉर्सर वेंजन 8GB की रैम DDR4 सपोर्टेड, जो हमें अराउंड पाकिस्तानी मार्केट 9,000 रुपीज़ तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप अपने बजट के साथ ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन मैंने 8GB यूज़ की, क्योंकि अभी गेमिंग के लिए 8GB काफ़ी, और ये DDR4 है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको गेमिंग बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अब आ जाते हैं अपने हार्ड डिस्क की तरफ। तो हार्ड डिस्क तो यार मैं यूज़ करूँगा इसमें, क्योंकि हम जो अपना बजट बचा गया, थोड़ा ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे ताकि मैं अच्छा ग्राफिक कार्ड ले सके, जो हमें 1080p पर 60fps तक प्रोवाइड कर ही देगा। तो अब आ जाती है बारी हमारे पीसी की स्टोरेज, यानी हार्ड डिस्क की तरफ। तो हार्ड डिस्क जो हम अपने इस बिल्ड में यूज़ करेंगे है वेस्टर्न डिजिटल की 1TB की हार्ड डिस्क, जो आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 3,000 रुपीज़ तक देखने को मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क मैंने यूज़ की है वो एक यूज्ड हार्ड डिस्क है 3,000 रुपीज़ की, जो आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगी। और यूज़ हार्ड डिस्क इसलिए मैं इस पीसी बिल्ड में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम पैसे से 2-3 हज़ार रुपये जो बचेंगे वो हम अपने GPU में लगा देंगे। इसलिए हमने हार्ड डिस्क जो है वो आपको 3,000 रुपीज़ अच्छी कंडीशन में, एक बेहतरीन न्यू कंडीशन तक आपको 3,000 रुपीज़ तक के 1TB की हार्ड डिस्क मिल ही जाएगी। और फिर अब आ जाते हैं हम अपने पीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी पावर सप्लाई। क्योंकि जब भी आप पीसी बिल्ड करें तो आप अपने पावर सप्लाई पे ज़्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि पावर सप्लाई अपने पीसी का एक ऐसा अहम हिस्सा है। अगर वो पावर सप्लाई अगर आपका जल गया या ख़राब हो गया तो आपके पीसी के दूसरे पार्ट्स को भी ख़राब कर सकता है। तो आप अपने पावर सप्लाई पे ज़्यादा ध्यान दिया करें। तो पावर सप्लाई जो मैंने अपने इस पीसी बिल्ड में यूज़ किया वो कॉर्सर की VS550, यानी 550 वॉट्स की पावर सप्लाई यूज़ की है, जो आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 6,000 रुपीज़ तक देखने को मिलेगी। और ये पावर सप्लाई बहुत ही अच्छी है, और आपके किसी भी पीसी पार्ट्स को ख़राब नहीं करेगी। अगर ये पावर सप्लाई जल भी जाती है तो आपके पीसी को कोई ख़राब नहीं करेगी। तो इसके बाद आ जाती है बारी हमारे पीसी के इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी ग्राफिक कार्ड, जिसके लिए हमने हार्ड डिस्क से पैसे बचा के अपने ग्राफिक कार्ड में लगाए थे। तो ग्राफिक कार्ड जो मैं अपने इस बिल्ड में यूज़ कर रहा हूँ वो है GTX का 1063GB वाला वेरिएंट, जो आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 22,000 रुपीज़ तक देखने को मिलेगा। और ये GDDR5 सपोर्टेड है, और ये आपको 1050 Ti से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। आप जो है इसके कंपैरिजन देख सकते हैं 1050 Ti वर्सेस 1060, तो आपको 1063GB वाला 1050 Ti 4GB वाले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और ये ग्राफिक कार्ड आपको 1080p 60fps तक गेमिंग करवाने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। लेकिन भले ये 3GB वाला ग्राफिक कार्ड, लेकिन आपको 1080p 60fps तक गेमिंग कराने के लिए एक बहुत ही नहायत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो आप जो है आंखें बंद करके ये ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड भले ही 3GB का हो, लेकिन आपको 1080p पर 60fps तक इजीली आपको प्रोवाइड कर देगा। और 1050 Ti से
10 गुना ज़्यादा पावरफुल है कि माने। तो अब तो हो गए सारी बातें पूरी, पीसी के सारे पार्ट्स हो गए पूरे, तो अब पीसी का एक पार्ट रह गया है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डालेंगे, यानी हमारा पीसी का कैबिनेट, यानी जो हम कैबिनेट यूज़ करेंगे, जो हम पीसी की केसिंग यूज़ करेंगे वो कौन सी। तो केसिंग जो है वो हम यूज़ करेंगे कोर्सर कार्बाइड सीरीज स्पेक 01 की, जो आपको अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में 6000 रुपीज़ तक देखने को मिलेगी। और ये आजकल ज़्यादातर पाकिस्तान में यही, अगर कोई 60 या 70 या 1 लाख वाला पीसी बिल्ड भी करता है तो उसमें यही केसिंग यूज़ करता है। ये जाहिर सी बात है कि पीसी केसिंग लगती है इसलिए कि आप एक 60 से 70 हज़ार रुपये वाला एक पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें रेड लाइटिंग इतनी है कि आपको सच्ची में लगेगा ये गेमिंग केस है। और ये हमारे 70,000 रुपीज़ के बजट में एक अच्छा गेमिंग केस है। तो फ्रेंड, जो हमारा टोटल बजट बन चुका है वो 69,000 रुपीज़ तक बन चुका, मतलब हमने अंडर 70,000 रुपीज़ तक का एक गेमिंग पीसी तैयार कर ली। तो फ्रेंड्स, हमने एक अंडर 70,000 रुपीज़ का बजट गेमिंग पीसी बिल्ड तैयार कर लिया है। जो इस पीसी बिल्ड में पार्ट्स यूज़ किए हैं वो भी आपके फ्यूचर प्रूफ है, अगर आप चाहें तो आगे फ्यूचर में भी आपको ये एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो हमारी बस आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई मुझसे सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जाके पूछिए, और मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा।